हेलो हेलो दोस्तों, दोस्तों। गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे और स्वस्थ स्वास्थ्य होंगे। होंगे। और दोस्तों देखिए कितना धूप है। आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, ये देखिए धूप, बहुत ज़्यादा धूप है। और आज तो टाइम ही ज़्यादा नहीं हुआ, अभी 8 बज गया। 8 बजे से इतना धूप, पूरा गर्मी से कपड़ा भी धोना है, कैसे क्या करो देखो। और अभी हर दिन काम पे जाने के मैं लिए तो रेडी तैयार होगा। हो गया हूँ, हाँ, काम पे जाने के लिए और मैं निकल रोटी रहा हूँ। बनाया है। अभी ब्रेकफास्ट करूँगा और फिर काम पे जाऊँगा। ब्रेकफास्ट बना लिया है, रोटी बनाया है। हाँ, सिर्फ रोटी बनाया है और टमाटर सॉस के साथ खाएगी ना। हाँ, और सोना अभी तक सो रही है, सोना हाँ, उठी नहीं है। सोना कल देर से सोई है, वो गर्म 1 बजे बहुत ज़्यादा था की वजह से तो सोया वो भी नहीं नहीं है। सो पा रही थी, तो काफ़ी देर से सोई है और अभी तक सो रही है। और सुबह उठने के लिए भी मन नहीं किया है, और पूरा उठाने रात का भी गर्मी। इच्छा नहीं करता है क्योंकि देर से सोती है तो नींद पूरा नहीं होता है। पूरा अभी नहीं तो होता वो है। छोटी है तो उसका तो कुछ काम है नहीं, पढ़ाई का भी नहीं है, बस खेलना ही है नहीं उठ के तो टाइम दोबारा। पे तो सोना ही नहीं है ना, गर्मी वजह हाँ से। और जल्दी थोड़ी से कमजोरी हो जाएगी ना उसमें, हाँ नींद इस तो वजह पूरा से। होना ही हाँ, पड़ेगा। पूरा होना पड़ेगा, इस वजह से उसको उठाया नहीं है। अभी घूर घूर के सो रहा है, एक बार देखा है कोई नहीं है, फिर सो गया, फिर एक बार मम्मी बुलाया पर है वो ऐसे। ज़्यादा देर सोएगी नहीं, वो भी उठ नहीं, उठ जाएगी, जाएगी। अपने आप उठ जाती है। हाँ ठीक है, चलो। चलिए दोस्तों ब्रेकफास्ट कर और लेते हैं। ट्रेन भी आ गई, देखो हाँ अब क्या जाने हो। पता नहीं, चलिए ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। और दोस्तों हस्बैंड ब्रेकफास्ट कर रही है। हाँ, ये देखिए दोस्तों, टोमेटो सॉस है और रोटी, हाँ और आधा तैयार हुआ, आधा आधा शर्ट तैयार हो पहनना गया है। है। और साई भी बना लिया है मैं, साई का साथ साई पिए भी और रोटी भी खाएगी। और रोटी ना सब्जी इतना जल्दी बनाने के लिए भी बस बन। एक चीज का डर लगता है, धूप है, पैदल चलना है। हाँ तो भी ना बाद में तो इतना दिक्कत नहीं होगा ना, ज़्यादा तो हॉस्पिटल से ना जरूर नहीं ना, फिर भी 1-1.5 किलोमीटर है। 1-1.5 किलोमीटर जाएगी ना। बात तो पूरा दिन रेस्ट में ही है ना, मिलेगी। और अभी सोना भी सो रहा है, सोना को भी उठाया नहीं है, उठाऊंगी। हजरत खा लिया, मैं भी सही पी लूँगी साथ में। और मेरा तो पूरा दिन आज काम है, मुझे अकेला अकेला सोना को भी संभालना पड़ेगा, पूरा कपड़ा धोने का, घर तुम सब। भी रोटी खा लो एक। हाँ, घर का काम करने से मुझे डर नहीं लगा, लेकिन सोना के लिए ना, सोना इधर उधर कर रही है ना, हस्बैंड नहीं होने से उधर उधर ज़्यादा कर। कभी हस्बैंड जब काम है ना तो 11 बजे जाता है ना, उसका बस भी गाड़ी भी इतना टाइम से ना उनका। हाँ जी, हो गाड़ी भी देर से है, लेकिन आज से शुरू होगा 8:30 बजे। ठीक है दोस्तों, और मैं भी हस्बैंड के साथ चाय पी लूँगी। मैं तो अभी रोटी नहीं खाऊंगी, बाद में खाऊंगी सोना और ये मैं, रोटी खा लो। सोना और मैं बाद में खाऊंगी, अभी हस्बैंड खाएगी। ठीक है दोस्तों। दोस्तों हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है और ये देखिए नेहा जी बैठी है अभी ब्रेकफास्ट करके। गर्मी लगा है इसीलिए बैठ गया है, अभी सोना को भी उठाना है और हस्बैंड रेडी हो गया। चलो और दोस्तों मैं तैयार हो गया हूँ काम पे जाने के लिए, तो चलिए काम पे चलते हैं। और दोस्तों हस्बैंड रेडी हो गया, अभी शूज पहनने के लिए लिया है। इधर लगे हो, और हस्बैंड का बैग देखिए दोस्तों, पूरा वेट हो गया है। ज़्यादा कुछ नहीं, पानी है। हाँ, ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ पानी है। और टिफिन भी ले लिया नहीं है ना, हस्बैंड बोला टिफिन लेके नहीं जाऊँगी दोपहर। हाँ, लेकिन फ्रेश का पानी 2 बोतल दे दिया है, और वही काफ़ी है बोला है, खाने के लिए मन नहीं किया। और देखिए दोस्तों रेडी हो गया है। और गांव का एरिया जाने से दोस्तों किसे जंग दे गया है, और टाउन एरिया जाने से पूरा हैंडसम बन के गया है। चलिए ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब चलते हैं, निकल के आओ। दोस्तों मैं घर पहुंच गया हूं और ये देखिए नेहा जी। दोस्तों मुझे और भी काम है, अभी मैं काम करता हूं और आगे नेहा जी आप लोगों को बताएंगी कि पूरा दिन क्या किया है।
दोस्तों देखिए फिर से आज में इतना सा कपड़ा धो दिया है, और यहाँ से भी है, पूजा घर का कपड़ा भी है, ढेर सारा धो दिया, आज पूरा ख़त्म करके धोया है, और किचन का भी पूरा साफ सफाई किया है मैं, तो सब कुछ आज साफ़ सफाई जितना भी है, दर्जा फ्रिज जितना सामान है सब कुछ साफ किया है। और हम लोग का जो अम्बुबसी मेला पूजा है ना, और 2:30 बजे ख़त्म हुआ है, उसकी बात सोना को भी नहाया है, मैं भी नहाया है, और उनकी बात सोना हस्बैंड का बारी आ गया है, अभी हस्बैंड काम कर रही है, काम की बारी घर का काम किया है, और आज खाना भी हस्बैंड ही बनाएगा, सब कुछ मैं करके रखा है, सिर्फ खाना बनाना है, और सब कुछ आज तो पूरा क्लीन करके रखा है, किचन क्लीन करके रखा है, और सब कुछ आज क्लीन करके रखा है, पूरा दिन काम किया है, लेकिन आज हस्बैंड बोला है मेरा बारी आ गया है खाना बनाने, आज कल हस्बैंड खाना बनाएगी, सो दिन में तो नहीं बनाएगी, सुबह बनाएगी। और अभी दोस्तों चलिए देखिए, और सोना भी काम कर रही है, पापा को हेल्प किया है ना, सोना दिखा लो क्या करिए, बनियान मेला, हाँ बनियान मेला। और दोस्तों मैं किचन पे आ गया है, और आज हस्बैंड खाना बनाएगी, मैं हस्बैंड को पूछा है आज क्या क्या कुकिंग करेगी, क्या बनाएगी आज दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊंगा दोस्तों, आज कुछ ज़्यादा नहीं बनाऊंगा, आज बहुत थक गया हूँ, हाँ। तो इसलिए आलू छिलका उतार लिए, और दाल मूंग और मसूर डाल लिया है ना, मूंग और मसूर दोनों मिक्स है, और दोनों को ही इसमें पहले ही फ्राई कर लूँगा, फ्राई करने के बाद इस पर डालूँगा, एक ही बार में छौंक लगाने वाला बात हो जाएगा। और दोस्तों साथ में पापड़ रहेगा और अचार रहेगा, आलू का भरता है, आलू को निकाल के फिर आलू का भरता बनेगा, तो आलू का दम या आलू का भरता जो भी बोलते हैं, तो आपकी और पता नहीं क्या बोलते हैं, हमारे तो आलू का भरता ही बोल लेते हैं, तो आलू का भरता बनेगा, दाल बनेगा, पापड़ बनेगा, और अचार इसी तरीके से आज खा लेंगे, आज ज़्यादा बनाने का कुछ मूड भी नहीं है, और इतना टाइम भी नहीं है, टाइम भी काफ़ी हो चुका है, और थक के आया है, आने की बारी हूँ, और फिर कल सुबह फिर से जाना भी है, आने की बारी घर का काम किया है हस्बैंड, हाँ, कल फिर से जाना भी है, तो जल्दी सोना पड़ेगा, फिर जल्दी उठना पड़ेगा, तो अभी जल्दी जल्दी बना लेता हूँ, ज़्यादा भी नहीं सही है, जितना सा दिया है उतने से कम देने से होगा, और कुकिंग में आज बहुत थक के आए हैं, और खाना भी बनाने का ड्यूटी शुरू हुआ है, सोना हाँ बोल रही है, आप लोगों को दिखाऊं आज मेरे हस्बैंड कुकिंग कैसे किया है, दाल कैसे बनाया है, ये है हल्दी, हल्दी गया, और अब दाल डाल देंगे, आलू बाद में डालो, हाँ नहीं तो सिटा ही रहे, आलू को साइड रख देता हूँ, इस पे रख देता हूँ, ऊपर रखने से भी कुछ नहीं होगा, गैस में पूरा साफ पूरा क्लीन करके रखा है सब जगह, एक साइड में भात भी उठा देना चाहिए ना, जल्दी हो जाएगी तुम्हारा काम, आसान हो जाएगी, पहले इसको उठा लेता हूँ, हाँ इसको थोड़ा फ्राई कर लेंगे दोस्तों, और जब तक ये होता है मैं पानी लेके आता हूँ, अब इसको काट के डालेंगे ना, हाँ दो टुकड़ा करने से हो जाएगी, इसको रख देते हैं, सोना यही रखो, हाँ ना कम है वो जल जाएगा, इसलिए नहीं जलेगा, नहीं था नहीं तो स्टार्टिंग में क्या होता है दोस्तों, अगर हल्दी देंगे तेल में तो ज़्यादा गैस अगर बढ़ा रहे फ्लेम तो जल जाता है हल्दी, काला पड़ जाता है, इसलिए पहले सब कुछ डाल दिया है, और उसके बाद थोड़ा फ्लेम को बढ़ा दिया है, और थोड़ा फ्राई कर लेने से अच्छा लगता है टेस्ट, हाँ टेस्ट ही अलग है ना फ्राई करने से, हाँ अच्छा होता है दोस्तों, आलू को दो टुकड़े में काट लेंगे, सोना आज किया खाएगी बेटा, सोना ने आज पढ़ाई किया क्या, नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया, मैं पढ़ाई नहीं अभी तक, अभी तक पढ़ाई नहीं, आज नहीं पढ़ाऊंगी, पूरा थक गया है,
पर दिन में का 3:30 बजे नहाया है। अगला नहीं पढ़ा है, कल पढ़ूंगी बोलो। कल सुबह पापा काम पे जाने के बाद पढ़ेगा। कल पढ़ोगे? चलिए दोस्तों इसमें आप आलू डालते हैं। गर्मी ज़्यादा है ना, वो भी परेशानी हो गया है, इसीलिए सुबह का टाइम से जो ठंडा है ना, इस वजह से आज तो मैं कपड़ा धोया है, इसलिए 10 बजे इसको पानी डाल देते हैं, नहीं तो जल जाएगा। हाँ तो ये थोड़ा नमक डाल देंगे, बाद में फिर से एक बार चेक कर लूँगा, और अभी के लिए थोड़ा डाल देता हूँ। कुक तो नया है ना, परफेक्ट कैसे बनाएगा, हमेशा मुझे बोला है। ऐसा कुछ नहीं है कि परफेक्ट नहीं होता है, बस ये है कि बहुत दिनों बाद जब बनाते हैं तो थोड़ा सा आइडिया कम होता है, 1 महीने में एक बार। तो 2 दिन बनाते, कल रात में बनाएगी तो उसके बाद पड़ोसी से मेरा शुरू होगा। दोस्तों दाल तो उठा दिया है और अभी भात उठा दूंगा एक तरफ, तो हो जाएगा जल्दी, काफ़ी टाइम नहीं लगेगा, थोड़ी टाइम पे ही हो जाएगा। और ये देखिए दाल का तो सीटी बजना स्टार्ट हो भी गया। तो और दोस्तों आज ज़्यादा वीडियो लंबा भी नहीं करेंगे, आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। और आप लोगों को अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, करने के लिए भूलिएगा मत। आज के लिए इतना ही, बाय 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 बाय, गुड नाइट।